उधर एमपी में तेजी से घटी है गरीबों की संख्या। करीब 1,36,00,000 गरीबों के से बाहर निकले है गरीबी, और गरीबी हटाने के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। नीति आयोग ने जारी किए आंकड़े, शिवराज सरकार की योजनाओं के चलते घटी है गरीबी की ये संख्या। मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ने की रफ्तार में अब कमी आई है। 2015-16 में शहरी क्षेत्र में गरीबी 44.6% से घटकर 42.51% पहुंची है, जो कि अपने आप एक बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा गरीबों को मिल रहा है। इसी के चलते ये इस मात्रा में, इस आंकड़े में गिरावट देखने को मिली है। नीति आयोग का डेटा जो है लेटेस्ट, उसके मुताबिक देश में तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। तेजी से घटी है गरीबों की संख्या, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट, एक बड़ी उपलब्धि। नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 उन्होंने जारी किया है, और जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 15.94% लोग गरीबी से बाहर आए। कुल मिला के 1,36,00,000 लोग जो गरीबी की सीमा रहती उसके बाहर आए हैं, उनकी आय बढ़ी है। ये हमने नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, आज अखबारों में भी आपने देखा होगा, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम 1,36,00,000 लोगों को अपनी अलग अलग योजनाओं के कारण, केंद्र की योजनाओं के कारण, राज्य की योजनाओं के कारण जो अलग अलग हम लाभ देते हैं, ओवरऑल उस सबका इम्पैक्ट आता है, चाहे वो पोषण हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खाने पीने में काम आने वाली चीजें हो, तो कुल मिला के ये हमको सफलता मिली है। और ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ा काम है जो मध्य प्रदेश में